नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 सितंबर 2018। स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे, सबरीमाला टेंपल श्राइन में वुमन की एंट्री से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अब एक जजमेंट आया है। डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल, बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार ने 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। आर्टिकल में सरकार के इस डिसीजन का विरोध किया जाता है और कहा जाता है इस प्रकार के शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन से करंट अकाउंट डेफिसिट कम नहीं होने वाला है। बीच में ये आर्टिकल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की आधार जजमेंट से संबंधित है। कुछ नए पॉइंट्स हैं, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल एडल्ट्री से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। कल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। दूसरे पेज पे आज ग्राउंड जीरो प्रकाशित हुआ है, हर सैटरडे को प्रकाशित होता है। रीजनल और फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, सोशल मीडिया शुड इंप्रूव योर लाइफ नॉट बिकम योर लाइफ। सोशल मीडिया आपकी लाइफ को इंप्रूव करे और आपकी लाइफ ना बन जाए, ये आपको इंश्योर करना होगा। ये बात कही थी रितु घटोरी ने। देखो, बहुत अच्छा कोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसे में एथिक्स में आपको कुछ लिखना हो सोशल मीडिया के बारे में तो ये कोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया एक नया फेनोमेनन है, तो बहुत अच्छे कोर्ट्स हैं नहीं सोशल मीडिया के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965, रूल 3B मेंशन है 10 साल से लेके 50 साल तक की महिलाएं सबरीमाला टेंपल श्राइन में एंटर नहीं कर सकती। टेंपल अथॉरिटीज के द्वारा रीजन दिया जाता है। देखो, यहाँ पर एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है, स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड अयप्पा का जन्म हुआ था एक राक्षस यानी दाना को ख़त्म करने के लिए। दाना को ख़त्म करने के बाद उस दानव से एक लेडी इमर्ज होती हैं जिनका नाम है मलिका पुरत्मा। वो कहती हैं लॉर्ड अयप्पा से कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए, लेकिन लॉर्ड अयप्पा कहते हैं मुझे अभी सबरीमाला में जाके भक्तों की प्रेयर्स को एड्रेस करना है, इस वजह से मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन जब फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स आने बंद हो जाएंगे सबरीमाला टेम्पल में, उस समय मैं आपसे विवाह कर लूँगा। इसी वजह से सबरीमाला टेम्पल में एक जो श्राइन है वो मलिका पुरत्मा के लिए भी डेडिकेटेड है। तो ये हमने मिथोलॉजिकल स्टोरी शेयर की। टेम्पल अथॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि लॉर्ड अयप्पा ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था। दो रीजन्स की वजह से 10 साल से लेके 50 साल तक की महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जाता मंदिर में, क्योंकि ये जो एज होती है वो मेंस्ट्रुएटिंग एज होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म रेगुलर रूप से आता है। तो लॉर्ड अयप्पा का ध्यान ना भटके और वो भक्तों की प्रेयर्स को एड्रेस कर सकें, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये भी है, लॉर्ड अयप्पा पूरी तरह से ऑनेस्ट थे मलिका पुरुत्मा के प्रति। उन्होंने जो वादा किया था कि जब तक फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स आने बंद नहीं हो जाते सबरीमाला टेम्पल में, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूँगा। लेकिन सबरीमाला टेम्पल में फर्स्ट टाइम वर्शिपर्स जब आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे विवाह कर लूँगा। और पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं लॉर्ड अयप्पा मलिका पुरुत्मा के प्रति। तो ये दो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं टेंपल अथॉरिटीज़ के द्वारा महिलाओं के सबरीमाला टेंपल श्राइन में बैन के लिए। वैसे देखो, इस इशू से संबंधित केस गया था बॉम्बे हाईकोर्ट में। 1951 में वर्डिक्ट आया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज नारासू अप्पा माली। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने टेंपल अथॉरिटीज़ के इस रूल को अपहेल्ड किया था, लेकिन बाद में तो इस रूल को लीगल बैकिंग भी मिल गई। यहाँ पर डेट कंसीडर कीजिएगा, 1951 में वर्डिक्ट आया था बॉम्बे हाईकोर्ट का और केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965 आया 1965 में, तो लीगल बैकिंग मिली 1965 में। यहाँ पर देखो, मेनली दो राइट्स के बीच कन्फ्लिक्ट था। एक तरफ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-15 साफ तौर पर बोला गया है कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेक्स के नाम पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर सेक्स के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। दूसरा, राइट टू रेगुलेट रिलीजन, सभी ग्रुप्स को अधिकार है पूरा पूरा, वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को
रेगुलेट कर सकें। तो टेंपल अथॉरिटीज का कहना था, देखो ये हमारे विश्वास का मामला है, फेथ का इशू है, हम हमारे हिसाब से हमारे रिलीजन को रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे धर्म में ये मान्यता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 25 प्रिवेल होगा। जबकि वो लोग जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उन्होंने कहा था ये हिस्सा नहीं है हिंदू धर्म का, यानी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हिंदू धर्म की और यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है। इशू रेफर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की 5 जजिस की बेंच को और कल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजिस की बेंच ने फैसला सुनाया, 4-1 से यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया है, यानी अब बिना किसी रोक टोक के हर एक एज की महिला एंटर कर सकेगी सबरीमाला टेम्पल में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट देते वक्त जो प्रमुख बातें कही गई उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया, इवन देखो रिलीजन के मामले में भी इंडिविजुअल फ्रीडम प्रिवेल करेगी ग्रुप राइट्स के ऊपर, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम ऊपर आएगी और ग्रुप राइट्स नीचे आएंगे प्रायोरिटी के मामले में, चाहे इशू रिलीजन का ही क्यों ना हो। दूसरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया, देखो लॉर्ड अयप्पा के जो भगत हैं उनका एक अलग से कोई सेक्ट नहीं है, वो हिंदू धर्म के पार्ट हैं और हिंदू धर्म में ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है कि 10 साल से लेके 50 साल की महिलाओं को रोकना सबरीमाला टेम्पल श्राइन में एंटर होने से। तीसरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सेग्रीगेट करना या फिर डिस्क्रिमिनेट करना ये तो देखो पूरी तरह से इनडिफेंसिबल है, यानी संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है और इसी वजह से इसे हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। चौथा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये दिया गया, ये काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो आप कह सकते हो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है उस आर्टिकल के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में। वैसे अभी तक आर्टिकल 17 को देखा जाता था सिर्फ कास्ट के नज़रिए से, कुछ कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज़्यादा, उनका ऑपरेशन होता था, उनको अछूत माना जाता था, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आर्टिकल 17 हमारे संविधान में ऐड किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा महिलाओं को टेम्पल श्राइन में जाने से रोकना ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, कास्ट के आधार पर नहीं है, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर है, सेक्स के आधार पर है। मेडिविल इरा में यानी मध्यकालीन भारत में कई जगह पे इस प्रकार की प्रैक्टिस को प्रीच किया जाता था, इम्प्योरिटी और प्योरिटी वाला कंसेप्ट होता था, ये उसी प्रकार का कंसेप्ट है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अब इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। ये जजमेंट आया 4-1 से, एक जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा उन्होंने डिसेंट जाहिर की इस जजमेंट के प्रति और अपना जजमेंट अलग से लिखा। इन्होंने कहा हमारा देश काफ़ी डाइवर्स हैं और बहुत सारे फेथ्स हैं हमारे कंट्री में, सबरीमाला टेम्पल श्राइन का जो इशू था वो भी एक फेथ का मामला था, फेथ में काफ़ी बार देखो इरेशनैलिटी को भी प्रीच किया जाता है, लेकिन हमें एक बैलेंस इस्टाब्लिश करने की आवश्यकता है एक तरफ रिलीजियस बिलीफ्स के बीच और दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी के बीच। इंदु मल्होत्रा ने इनके कहने का मेन एसेंस ये था हमारे देश में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे चर्च और बहुत सारे गुरुद्वारा हैं जहाँ पर अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, अगर उन सभी प्रैक्टिसेस को आप इंडिविजुअल राइट्स के पैमाने पर मेजर करोगे तो वो प्रैक्टिसेस शायद कहीं कुछ इंडिविजुअल राइट्स के पैमाने पर स्टिक नहीं बैठेंगी, लेकिन वो जनता का विश्वास है, अगर सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले में इस प्रकार से इंटरफेयर करने लगेगा तो कोई फेथ बचेगा ही नहीं, ये कहना था इंदु मल्होत्रा का। काफ़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, 4-1 से महिलाएं अब एंटर कर सकेंगी सबरीमाला टेम्पल श्राइन में। क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला वर्डिक्ट संविधान के ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर की पुष्टि करता है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है संविधान अपनी स्ट्रेंथ को ड्राइव करता है, जो प्रायोरिटी दी जाती है संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को उसी प्रायोरिटी से संविधान अपनी स्ट्रेंथ को ड्राइव करता है, ये दूसरा पार्ट है। इस स्टेटमेंट पे आपको टिप्पणी करनी है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल करंट अकाउंट डेफिसिट से संबंधित है, आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
क्या कंटेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। तर्क ये दिया गया है करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्व करने के लिए ये फैसला लिया गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट देखो वो सिचुएशन होती है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। आर्टिकल में कहा जाता है सरकार का ये फैसला सही नहीं है। कैसे, जिन 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया गया है, पिछले साल में इन 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट बिल था 86,000 करोड़ जो पूरे हमारे इंपोर्ट का 3% है। और वैसे भी अब करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने तो बीत ही चुके हैं, तो अब इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करने का क्या फ़ायदा। इन 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की गई है उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, यानी इस फैसले से करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने वाला नहीं है। ये लिस्ट है 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स की जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया गया है। देखो पहले से रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले में, इस वजह से इन आइटम्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी दाम बढ़ चुके थे इन आइटम्स के, और अब इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज किया गया है तो इनके दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी इन आइटम्स की कंजम्पशन हमारे देश में कम होगी। वैसे एक मौका भी है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सकता है इस सिचुएशन में। पहले हम बाहर से इन चीज़ों को इंपोर्ट करते थे लेकिन अब बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर दाम बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर सकते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऑलरेडी जो हमारी एयरलाइंस हैं काफ़ी घाटे में चल रही हैं और अब ऐसी सिचुएशन में ATF के दाम का बढ़ना, तो इसका मतलब तो ये है उनके ऑपरेशंस चलाने में और भी ज़्यादा खर्चा आएगा, उनका घाटा और भी बढ़ सकता है। तो इंडिविजुअली आइटम्स को सोच समझ के शामिल करना चाहिए था अगर सरकार ने ये फैसला लिया ही था। और बात रही करंट अकाउंट डेफिसिट की, जब तक देखो आप स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करोगे तब तक करंट अकाउंट डेफिसिट को कम नहीं किया जा सकता। हमें हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होगा ताकि हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। GST की इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको उनका रिफंड जल्द से जल्द मिले ये भी सरकार को इंश्योर करना होगा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट लानी होगी। देखो एक दुखद बात यह है, हमारे देश में कोल के भंडार तो बहुत ज़्यादा हैं, कोल रिजर्व्स हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी कोल के इम्पोर्ट पर हम इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उसके दो रीजन्स हैं, एक तो देखो कोल इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है, यानी कोल इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है और इसके लिए पैसा चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोल के इंपोर्ट पर हमारा खर्च कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। फ्यूचर में देखो तेल की कीमतें कम होंगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, ऐसी उम्मीद नहीं है। और एक बार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए तो इंडिया को और भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि USA हमें प्रेशराइज करेगा कि आप ईरान से इंपोर्ट नहीं कीजिए, दूसरे देशों से इंपोर्ट कीजिए। तो ईरान से जो हमें सस्ता तेल मिल रहा था शायद उतना सस्ता ना मिल पाए दूसरे देशों से, तो सिचुएशन और भी गंभीर हो जाएगी, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इशू था 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन वैसे आपको ये अटैम्प्ट करना है, 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए, ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है स्ट्रक्चरल वीकनेस का। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की आधार केस में जजमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर आज सुप्रीम कोर्ट के आधार केस में जजमेंट को क्रिटिसाइज करती हैं। राइटर का कहना है सरकार ने काफ़ी सारे एसर्शंस किए थे इस केस में सुनवाई के दौरान और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसर्शंस को फैक्ट मान लिया है, लेकिन सरकार की वो एसर्शंस सही नहीं हैं। जैसे सरकार ने एक डेटा रखा, सरकार ने कहा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में फेलियर काफ़ी कम होती हैं। राइटर का कहना ऐसा है नहीं,
काफ़ी गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाती और वो सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते, उनको अनाज नहीं मिलता। इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते और अपने तय कोटे का अनाज प्राप्त नहीं कर पाते। एग्जाम्पल दिया जाता है झारखंड की एक बच्ची का जिसकी डेथ हो गई हंगर की वजह से, और उसका परिवार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट ना होने हो पाने की वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहा था। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट राइटर देती है, सरकार ये कहती है बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड एकमात्र आइडेंटिटी प्रूफ है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि देखो आधार कार्ड बनता भी तो किसी ना किसी आईडी के बेस पे है ना, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के तो आधार कार्ड बनता भी नहीं है। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ही आइडेंटिटी प्रूफ है, वो है आधार कार्ड। तीसरा आर्ग्यूमेंट, सरकार ये कहती है इंक्लूजन हो गया है बहुत से गरीब लोगों का आधार की सहायता से। ऐसा कैसा पॉसिबल है? देखो सभी स्टेट कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर अपनाते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन बेनिफिशियरी होगा स्कीम का लाभ उठाने के लिए। कई स्टेट्स ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को अपनाया है, कई स्टेट्स बीपीएल कार्ड का क्राइटेरिया अपनाते हैं, मतलब जिस पर्सन के पास बीपीएल कार्ड है उस पर्सन को स्कीम का लाभ मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। कुछ स्टेट्स सीधा सीधा क्राइटेरिया अपनाते हैं, जिस पर्सन के पास कच्चा घर है उस पर्सन को स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी ऑलरेडी विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं स्कीम्स के लिए, तो फिर कैसे सरकार कह सकती है कि आधार ने इंक्लूजन किया है? आधार बल्कि एक और कंडीशन है, ऑलरेडी स्टेट के क्राइटेरियाज हैं डिफिकल्ट और उसके ऊपर एक और आपने थोप दिया आधार कार्ड। चौथा आर्ग्यूमेंट, सरकार का ये कहना कि लीकेजेस कम हुई हैं, करप्शन कम हुआ है आधार कार्ड से, ये भी गलत तर्क है। देखो हमें करप्शन के नेचर को समझना होगा। पीडीएस सिस्टम का आप एग्जाम्पल लीजिए, किस प्रकार का करप्शन होता है पीडीएस सिस्टम में। जो शॉप ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, 35 किलो अनाज की बजाय 32 किलो अनाज देते हैं और बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं। इस प्रकार का करप्शन ज्यादा होता है। क्या आधार कार्ड लिंकेज से इस प्रकार के करप्शन को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। सरकार ये भी कहती है कि पहले फर्जी बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा थे, ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके परिवार वाले भी मरे हुए लोगों के नाम पर स्कीम्स का लाभ उठा पा रहे थे, लेकिन आधार लिंकेज से डुप्लीकेशन कम हो रहा है। राइटर का कहना है देखो ऐसा बहुत ही कम स्केल पे हुआ है। उड़ीसा में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में बात सामने आई कि 0.3% सिर्फ डुप्लीकेशन था बेनिफिशरीज की लिस्ट में, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ रही है आधार लिंकेज से। रिमोट एरियाज में इवन मजबूर किया जाता है लोगों को कि आप पैसे दीजिए आधार कार्ड बनवाने के लिए। और बहुत बार देखो आपने देखा होगा कि नेटवर्क नहीं होता, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, इस वजह से लोग जाते हैं शॉप ओनर्स के पास अपना कोटे का अनाज लेने के लिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाता क्योंकि ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाता नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। और कई बार वो परिवार बच्चों की भी छुट्टी करवा देते हैं स्कूल से कि आज तुम शॉप ओनर से अनाज लेके आना, इसलिए स्कूल मत जाना। तो इस प्रकार की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में एक बात ये बोलती हैं कि देखो जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आधार लिंकेज से, वो इतने सक्षम नहीं हैं कि मीडिया में अपनी आवाज़ उठा सकें, और मीडिया उनकी आवाज़ को उठा नहीं रहा है, इसीलिए उनके जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं दब के रह गए हैं। सिर्फ प्राइवेसी वाला इशू ज़्यादा हाईलाइट हुआ लेकिन उनके कंसर्न्स हाईलाइट नहीं हुए। प्राइवेसी वाले कंसर्न्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं लेकिन गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनसे वो वंचित रह रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में। तो ये कुछ अलग पॉइंट्स थे आधार से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। आज हमने तीन इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले हमने सबरीमाला टेंपल श्राइन में वुमन की एंट्री से संबंधित जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमने बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार ने 19 नॉन एसेंशियल आइटम्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है, इस इशू को डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया आधार जजमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।